शहजादा गफ्फार साहब कहाँ गायब हैं आजकल? आपके सामने बैठा हूँ, अपनी नजर को टेस्ट करवाए आप। वैसे आप सामने बैठने के बावजूद दिखाई नहीं देते। आजकल आप नजर नहीं आ रहे, आप पहले गाड़ी के पीछे बैठ के जब ब्रेक लगते तो ऐसे ऐसे किया करते थे, कहाँ होते हैं? यार कोई इज्जत करो, गेस्ट हैं साडे, उन्हां दी घर भी इज्जत नहीं, इत्थे भी इज्जत नहीं। घर जांदे आ परजाई साडी शॉपर च पा के किल्ली ना टंग दिंदी आ। ना बदतमीजी करो, ना बदतमीजी करो, गेस्ट ने साडे सदका दवो, इत्थों तक पहुंच गए ने। अच्छा ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी, हमारे मेहमान है, पैंपर्ड करना हमने। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं करेंगे, जितना को मेहमान है इतनी तो करेंगे। हमने दसना अज शहजादा गफ्फार साहब मेहमान आ, असी सोफे की बजाय नाई वाली सीट ले आते, उत्ते फटा रख के बिठा दे। मैं इतने शो कर आया या तुहाडे कोल कलमा छोटियां करवाण आया? ओ वेखो को सोच समझ के गल करो, पहले तुहाडियां लत्तां छोटियां ने, उत्तों कलमा भी छोटियां करवाउण दे, तुसी नजर किस तरह आओगे? मैंने नजर सिरावांगे, तुसी टेस्ट कराओ, फिर तुसी वेखण दा नजर आवांगे। की तुहाडा सिर जिस तरह एयरपोर्ट हुंदा है ते गड्डे भला किवें मोड़दे ने, स्टीयरिंग दे उत्ते बह के इंजन कर रहे आप बुजुर्ग है या मेरी फूफी है? एंजल करती है। ये बताइए कि हम तो पूछे जा रहे थे कि इंडस्ट्री से इतने दिनों से जो आप गायब हैं, इतने अरसे से, ये किधर आप हैं, कहाँ काम कर रहे हैं आजकल, किधर हैं, क्या छुट्टी ली हुई है? टीवी स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, खिताब पुठवार में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी। हाँ तो अल्लाह की रहमत है बड़ी, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा स्टाइल सारा बंदे पहनते ते मैं और की डडुओं की तरह बैठा हूं जी। हेलो फिर जी बात फारूकी साहब, आप ही बताइए, आपका मशहूर ड्रामा सीरियल नूरीना, उसकी कुछ यादें ताजा करते हैं। वो आपको ऑफर कैसे हुआ, उसकी फीडबैक उस टाइम पे आपको कैसे मिली? मैं चूंकि पिशावर से बहुत ज्यादा रेगुलर काम कर रहा था उन दिनों पे। अच्छा, तो एक ड्रामा था वापसी, उसमें मेरी दो बीवियां थी, यानी दोनों हीरोइन। तो उन्होंने नेक्स्ट वीक नया ड्रामा था नूरीना, ठीक है, तो एक लड़के ने कहा थी ये छोटा रोल है तो मैं नहीं करता, उसने अचानक छोड़ दिया बिशारत खान। तो उन्होंने मजबूरन मुझे रखा कि एक ड्रामे में दो बीवियां, वही दाढ़ी, वही सूट और वही राइटर, तो नेक्स्ट जब आपका ड्रामा चलेगा तो ये सेम वापसी की तरह रिपीटेशन लगेगी। अच्छा, मजबूरन उन्होंने मुझे ले लिया। मजबूरन तो वो 3 किस्तों का रोल था, जब मैंने किया तो 13 किस्तों तक चला। अरे क्या बात करते हैं, इन्हां नूं भी 13 किस्तां दी सीरे मिली सी। अच्छा, फिर जदों उन्होंने इन्हां दा काम देखिया फिर 3 किस्तां ते लैंदा बस। ओए हसियां या माशाल्लाह, जो किसी के साथ करेगा उसके साथ भी होगा। मैं क्या हंस रहे हो, मेदा खराब जी। अच्छा जी, आप बताइए, वेबसाइट के लिए एक शो करती हैं आप, ठीक है, उसमें कभी रिक्शे वाली बनती हैं, कभी आप लंडा बाजार से शॉपिंग करती दिखाई देती हैं, ये इतने आइडियाज लेकर कहाँ से आती हैं? बस आइडियाज खुद ब खुद आ जाते हैं, लेकिन भाई आप मेरे पूछे बगैर इतना कुछ कर लेती हैं? अब आपसे पूछ के किया करूंगी अब्बा जी। घर वालों को पता होता है कि आप ये गेटअप करने जा रही हैं और इस मैदान में जाएंगी, इस जगह जाएंगी, कोई उनको डर, खौफ, कोई घबराहट कुछ होती है, या फिर आपके पीछे सिक्योरिटी होती है जब आप इस तरह के कैरेक्टर करके लोगों के सामने होती हैं? तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे घर वालों को डर तो कोई नहीं था, उन्हें पता था कि ये कर लेगी, लेकिन जो फैमिली है ना, खानदान, साड़ियाँ, पुफियाँ, खाला, ये वो बड़ा पंप करती थी कि लड़कों में जाती है, ये काम करती है, फ़कीर है, मतलब मेरे कज़न मेरा शुगर लगाते थे, वो फ़कीर नहीं आ गई, फ़कीर नहीं आ गई, और अब वो सारे कहते हैं कि हमने कवल की तरह बनना। तो ओ, वाओ। अच्छा, आप करेक्टर देख के फिर उसके मुताबिक सोचें कि ये किस तरह जिंदगी गुजार रही है? जी, किसी दिन मेरी बेगम को देख के कुछ उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश होगी? जी हाँ जी, थोड़ी बेगम है ना, मुन्नू ना बिखाओ, किसी डॉक्टर ने बिखाओ। मैं डॉक्टर हूँ। तू इंसाना दा डॉक्टर नहीं, तू खटमला दा डॉक्टर है। डॉक्टर अब मिनी पैक में भी दस्तयाब है। अच्छा डॉक्टर शहजादा गफ्फार साहब, आपको लोग वैसे शहजादा गफ्फार के नाम से जानते हैं, मगर एक और आपका नाम बड़ा मशहूर है, निक्का। तो निक्के के नाम से जब आप जाने जाते हैं तो कैसा फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं? ओ माय गॉड, ही इज कॉलिंग मी निक्के।
नहीं ऐसे तो नहीं कहते, ऐसे तो मैं कहता हूँ। बस लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये अल्लाह का माल अल्लाह की देन है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बड़ी खुशी होती है। निक्का आपको आपके करेक्टर की वजह से नहीं कहते, आपकी कद की वजह से कहते हैं, किस चीज की खुशी होती है आपको? और इन्हें जिनानी नहीं कहनी, मेरा निक्का कैसे कर रहा है? आपके फायदों को आपको नहीं पता। ऐसा बंदा गेट बंद भी हो ना तो परनाले से अंदर निकल जाता है। एक दिन अगो चूहा आंडिया सी, इधरों ये जांडे से सारी रात बेचारे परनाले ची सोते। ओ तानो ये फायदा पता ही नहीं। क्या? बिस्तर ना ना होवे। ए प्यो दी जूती ची बड़के सो जांदा। ना बदतमीजी करो मेहमान ने साडे। ओ माफी। इन्हां नूं ते जदों भुख लगी होवे ना, आ कुकड़ियां दी जिहड़ी रोटी नहीं पई होंदी निचोड़ के खा जाते हैं। घर में बेड ना भी हो ना तो माचिस के डब्बी में घुस के सो जाते हैं। अपने बच्चों के सिर ते सलामत रहन। क्या बात, बच्चों को उनका फायदा ही बड़ा। हाँ। जो उन्होंने लुट्टो का दाना गुआ जाते ना, इन्हें फट के फिर खेलना शुरू कर दे। Welcome back. You're watching your favorite show. तारों से करें बातें। अच्छी बात है फारूकी साहब, ये बताइए पीटीवी का इब्तिदाई दौर कैसा था? कुछ यादें शेयर कीजिए ना हमारे साथ। पूरे पाकिस्तान का ड्रामा होता था। पिशावर से हमारे खैबर पख्तूनख्वा का कौमी ड्रामा, कल्चरल ड्रामा। कल्चरल। मैं रेगुलर उर्दू ड्रामा करता था जी पिशावर से, और रेगुलर पश्तो ड्रामा करता था। ठीक है। क्योंकि मेरी अपनी जुबान तो पश्तो है। पश्तो है आपकी। अब चूंकि मैं पठवार में रहता था तो पठवार का नमक खाया तो वो जुबान भी मुझे आनी चाहिए। जब मैं लाहौर आता तो पंजाबी ड्रामा भी मैंने किया। बिल्कुल। मकसद ये कि आपको, आप बीइंग ए पाकिस्तानी, आपको मुख्तलिफ जुबानें आनी चाहिए। आनी चाहिए। बाकिन साहब आपने हर जुबान में ड्रामे किए ना, ये हमारा चाचा हर जुबान में बेइज्जत हुआ है। हाँ हाँ। मैं वैसे एक बात बताऊँ, आपका पूरा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत पसंद किया जाता है, और जो शनाख्त है ना वो चाचे की शनाख्त है। यानी आप जिल्लत और बिस्ती की शनाख्त बन चुके हैं। अच्छा कमल आप बताइए, इतनी खूबसूरत है, प्यारी सी है, रिश्ते तो आते होंगे, चिपको फैंस भी पीछे पड़ते होंगे, ये कह देती हूं मेरा बचपन में निकाह हो गया, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में सबको पता है मेरा निकाह हो गया हुआ। फिर भी एक चार्म होता है ना, फैंस आपके पीछे पड़ते हैं, आप शोबिज़ इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखती हैं, तो कोई फैंस प्यारे भी होते होंगे, कोई फैंस जान देने के लिए तैयार होते होंगे आपके लिए, तो आप क्या करती हैं? पर मुझे एक वाकया याद है कि मैं गाड़ी चला रही थी, मेरा दोस्त था साथ, हम चाय पीने जा रहे थे। ठीक है। एक गाड़ी गुजरी है, मतलब बड़ी मुश्किल से हम बचे, नहीं तो आज मैं इधर ना होती। अल्लाह की तरफ से करना ये हुआ कि सिग्नल बंद हो गया तो वो गाड़ी आ गई मेरे, खड़ी हुई थी। मैंने अभी कहा कि अभी 2-3 मिनट है सिग्नल खुलने में, मैं इससे इस बंदे से बात करती हूँ, मेरा दिल चाह रहा था। मैं गई हूँ, जब उस बंदे ने शीशा नीचे किया, दिल गया। अरे हाय, दिल गया वो। इतना मतलब जितना मैं गुस्से में गई थी, वो बंदा मुझे पहली नज़र में इतना अच्छा लगा, और ऊपर से वो मुझे जानता था। अच्छा वो तुम थी? मैं भी कहूँ वो ये भी उससे इशारे से मांग रहा सी। वो कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, टिकटॉक देखता हूँ मैं आपकी। तो मैंने कहा यार मतलब ध्यान से चलाया करो गाड़ी, मतलब फिर बड़े प्यार से मैं बोलने लगी ना। कहते नहीं, हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना था। तो मैं मुस्कुरा कर वापिस आई हूँ, तो मेरा दोस्त कहता तुम इतना हंस के क्यों आ रही हो, उसने क्या कहा है तुम्हें? हाँ। मैंने कहा यार दिल दे बैठी हूँ। फिर दोस्त कहते मुझे साइड पे उतार दो तो जाओ दिल दो।